अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो मॉर्निंग हो चुकी है, बस हो रहा है नाश्ता, और हमेशा की तरह हमारी इस वक्त लाइट गई हुई है और हम लोग बैठे हुए हैं विंडो के पास ताकि थोड़ी सी रोशनी हो जाए। तो फिलहाल आज है मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन। अब देखते हैं कि बाहर जाते हैं या घर में ही केक कट करते हैं। वैसे मेरा कहीं जाने का इतना मूड है नहीं। और हमारी हो गई है 1K सेलिब्रेशन भी आज मुझे करनी है, तो बहुत ज्यादा खुशी है। 2-3 दिन से ही हुए हैं वो तो, लेकिन मुझे मेरा यही था कि बर्थडे का केक काटूंगी तो उसके साथ ही वो भी केक कट हो जाएगा। तो आज इंशाल्लाह ताला दोनों चीजें करेंगे, बहुत मजा आएगा। और मैं इतनी खुश हूं ना अपने चैनल पर कि वो 1000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। जाहिर सी बातें करनी तो पड़ती है सबको मेहनत, और अभी और बहुत ज्यादा 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 मेहनत करनी है। तो बस ये तो पहला कदम है, इंशाल्लाह सब कुछ आगे और अच्छा ही होगा। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों ने साथ दिया तो सब कुछ जल्दी जल्दी होता जाएगा। 1000 क्या, 1 लाख, फिर मिलियन, इंशाल्लाह ताला बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं यूट्यूब फैमिली के साथ में। तो फिलहाल हमारा चल रहा है नाश्ता। आयान और मैं नाश्ता कर रहे हैं, और आयत अपनी बिरयानी छोड़ के जा चुकी है, पता नहीं क्यों नहीं खा रही, आज इसका मूड नहीं है। वो पीछे जाके ब्लैंकेट तोड़ कर लेट गई, ये देखें। और हर पिछले साल भी रमजान में ही बर्थडे थी, शब-ए-बरात थी पिछले साल ना जब मेरी बर्थडे थी, और अब के रमजान में 2 दिन पहले है। इंशाल्लाह 1 लाख भी होंगे। तो गाइस मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा सा कुछ काम है, गुल प्लाजा तक जा रही हूँ। गुल प्लाजा मेरे घर के बहुत करीब है, तो बस क्रॉकरी की मार्केट है वो पूरी। तो अभी फिलहाल देखती हूँ, बहुत सारे काम है मुझे करने हैं, और 2-3 दिन है रमजान में, तो फिलहाल इसके लिए जा रही हूँ आयान के साथ। सारे कपड़े हैं, मुझे क्रॉकरी की तरफ जाना। हाँ, ऐसा लगा कोई लोहे की चीज है। आरको शॉप ढूंढ रहे हैं। अरे शॉप का नाम है आरको भाई, आरको ही लिखा, आरको बेडशीट्स। हाय अल्लाह, गुल प्लाजा में इतनी खूबसूरत चीजें मिल जाता, मैं सारी चीजें ही ले लूं। आरको कौन सी है, ये वाली? तो गाइस फाइनली मेरा जग तो मिल गया है जो मैं देर से ढूंढ रही हूँ। देखो कैसे ये प्राइस देगा, दीजिएगा। इसमें और प्रिंट्स हैं, एक ही बची है, चलेंगे ही। डिजाइन ये खूबसूरत लग रही है। तो भाई मुझे भी बर्तन खरीदने का बहुत ही शौक है। अभी फिलहाल भी चल रही है क्रॉकरी की तैयारी, तो रमजान की तैयारी, क्रॉकरी खरीद रही हूँ। ये देख लो कितने की, क्या ये? भाई ये सुन जाइएगा भाई, प्लांट्स 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 कितने रखूं मैं? आई हैव एनी प्लांट्स प्लांट्स अभी तो फेयरवेल निकलना ही नहीं है। आयान थक गए हो? आयान थक गए हो? बहुत बेटा अभी तो घुमाना, ये लेने हैं लेकिन ये बहुत महंगे दे रहा है, मेरी मैं तो नहीं ले रही है। बताएं सोफे का कवर, कुशन के कवर जी भाजी 400 और 450, दो वैरायटी। 450 का एक गोल्डन तो देखो यार, गोल्डन ही चल रहा है। ये वाली जो गोल्डन कलर की ट्रे बताइएगा कितने की? खाली ट्रे, अंदर खाली ट्रे, खाली ट्रे 800 रुपए की पड़ेगी।
महंगी है लेकिन डेकोरेशन की चीज है। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पर शॉपिंग करके और बहुत थक गई हूँ। आते के साथ ही खाना खाया है, बस खाना नहीं हम लोग लेकर आए थे चाट वगैरह इमरान, तो बस वो सब चीजें खाई हैं और अभी सामान अभी ऐसे ही आते के साथ ही रखा है। और मार्केट में इतना ज्यादा रश था, ऐसा लग रहा था कि चांद रात है, चांद रात से भी ज्यादा रश हो रहा था क्योंकि सबको जाहिर सी बात है रमजान से पहले की तैयारी करनी होती है। आयु क्या कर रही हो? ये देखें सारा सामान अभी ऐसे ही रखा हुआ है। मान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आ रही हूँ, ठीक है? चलो अब ओके। तो ये देखें मैंने ये खरीदा है बाउल, बाउल तो नहीं खरीदा, स्पेगेटी वगैरह बनाने के ना बहुत अच्छा काम आएगा। ये नाइफ खरीदी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी भाई, ये मसालों के लिए खरीदा है, मुझे ये चाहिए था। स्टील का ले रही थी लेकिन मैंने कहा मैं इतना यूज़ ही नहीं करती, तो फिर मैं स्टील का क्यों लूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो स्टील का, और जो है ना बहुत महंगा भी था इसलिए मैंने नहीं लिया। एक ये प्लेट की है, ये है खजूर रखने के लिए, खजूर वगैरह रखने के लिए ये ऐसी बनी हुई है। एक ये लिए मैंने और एक ये लिए वाइट, और इसमें रमज़ान में दिल चाहता है कि न्यू डिशेस बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना क्रॉकरी भी बहुत अच्छी सी हो, मुझे तो बहुत ही शौक है, हर साल क्रॉकरी बहुत ज़्यादा मैं खरीदती हूँ। एक ये लिया है मैंने, ये भी कोई खजूर वगैरह के लिए, इसके लिए लिया है। दो ये लिए हैं, दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दो लिए छोले वगैरह, कुछ बंदा ऐसी चीजें बना दे। ये मैंने लिया है ऑयल के लिए, इसकी शदीद जरूरत थी मुझे। इसमें ऐसा होगा, ये देखें हम ऑयल डालेंगे आराम से और यहाँ पर ये इस यहाँ से छन जाएगा और ये इस तरह ये हो गया। और क्या खरीदा मैंने, यही लिया है क्या? हाँ यही चीज़ें लेकर आई हैं, ये सारी चीज़ें ली हैं। ये मैं दिखाती हूँ, ये मैंने लिए सोफों के कवर, ये लिए हैं मैंने प्लेट्स, कुछ भी रखने के काम आ जाएगी, दो लिए हैं। और ये वाले ग्लास लिए हैं, ग्लास नहीं कप, बस यही सामान लिया है, वो भी काफ़ी महंगा मिला है। जाहिर सी बात है आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि ना पूछें। अब सोफों के कवर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैंने कैसे लिए हैं। अरे अल्लाह, सोफों का कवर कोई भी है उनका ऐसा ही बिठाना है जैसे उठ कर रक्षे में बिठाना है। शुक्र है मेरे से वो जर्सी वालों से जान छुट गई मेरी। अब मैंने ये लिए बहुत ढूंढ ढांड के, अब देखते हैं कि ये कैसे, ये इसका ऐसा कपड़ा है सॉफ्ट है, कपड़ा तो सॉफ्ट है बस भिज जाए अच्छे से। सही भिज जाए ना, देखे किस तरह है, दूर से दिखाते हैं। ये तो मुश्किल लग रही है यार इसको भी बिठाना, ये सही लग रही है मम्मी। तो कुछ ऐसा है इनका लुक, ये देखें। अब मुझे ये इस बात की खुशी है कि कम से कम इनको मुझे पहनाने नहीं पड़ेंगे बड़ी मुश्किल से, साफ साफ से डले रहेंगे आराम से। ये मम्मी ये निकालना है, एक नाइफ निकालना है। हाँ नाइफ निकालनी है, ये तो बस यही सारी शॉपिंग थी जो मैंने आप सब लोगों को दिखाई, और उसके लिए मुझे 4 घंटे लग गए तकरीबन, 4 घंटे में वापस आई हूँ, नहीं 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे तकरीबन। तो बस फिलहाल अभी बहुत थक गई हूँ और आजकल मुझे ज़रा शॉपिंगों का भूत चढ़ा हुआ है। नहीं वैसे भी ऐसा ही होता है, रमज़ान से पहले मुझे सारी चीज़ों की तैयारी करनी होती है, वो मतलब एक हर चीज़ परफेक्ट हो रमज़ान से पहले मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि रमज़ान में बस किचन रह गया, किचन साफ करूँगी। और कुछ बर्तनों का स्टैंड चाहिए था मुझे, वो टूट गया मेरा जो स्टैंड है ना,
बर्तनों का, लेकिन जो मैं चाह रही थी, मैंने इतने महंगे स्टैंड लगाए हुए जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, तो जब मैं न्यू स्टैंड लेकर आई थी, प्लास्टिक के थे वो बने हुए ना, तो वो इतने महंगे थे कि बेकार रहे, वो टूट गए फौरन। अब मुझे वो चाहिए जो रॉड वाले आते हैं ना स्टील के और इस तरह के, वो चाहिए, वो कहीं मिल नहीं रहे थे। गुल प्लाजा में बहुत ज्यादा ढूंढे तो वहां तो थे ही नहीं, हालांकि पूरी मार्केट पूरा मॉल ही वो सिर्फ बर्तनों का और क्रॉकरी का है, लेकिन उसमें वहां पे भी नहीं मिले। तो अभी देखे मैं कल कहीं जाऊंगी, तो फिलहाल जो सारा सामान लेकर आ गई हूँ, इसको सब चीजों को रखना भी है अभी उठाकर। तो गाइज मेरा आ गया है अभी केक, मेरी बर्थडे का अभी, और 1K सब्सक्राइबर होने की खुशी का भी केक, दोनों देखें। बहुत प्यारा केक आया है मेरा, बटरफ्लाई खा ले आयु। तो आज मेरी बर्थडे तो थी 1K सब्सक्राइबर की वजह से भी बहुत ज्यादा खुशी थी, तो मैंने कहा दोनों सेलिब्रेशन एक साथ ही हो जाए आज, तो इसलिए हमने ना दोनों का एक ही केक मंगवाया आज। मजा आ गया, केक बहुत टेस्टी है, थैंक यू, है ना। तो गाइस ये थी आज की सारा दिन की मेरी रूटीन जो मैंने आपके साथ पे शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।